तो परमात्मा कहते हैं बंधे से बंधा मिले छुट्टे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे चार आदमी नारे नारे अलग अलग खंभ्यात बांध रखे हैं, और एक बंधा हुआ दूसरे बंधे से कहता तू मुझे खोल दे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हां, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में यह आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे उसका रिएक्शन कर जाती है, दूसरे आदमी का दवाई देता है वह दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिलाओगे एक गोली तो ठीक हो जा, और ना तो वह बात बढ़ के करा कि अपने कह खड़ी हो जा, ऑपरेशन तो भी पांडा ना छूटे। तो इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे कराव साई अमन में लहर उठा दादू सरदर जीव के अवगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा, भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता बिना हो ही नहीं सकता था। तो करा करावे साइया मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को ना, और है भी ये सच्चाई, तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम। अब तू रह रहकर कल्पना करता है कदे नूना हो जाए, नूना हो जाए भगवान, नू हो जा। कहता तू निष्काम भाव से सच्चे दिल से बिना मनोकामना पूर्णा के अपने करता रहे, तू सेवा पूजा कर साधना कर, मन इच्छा फिर देवेगा जो पड़े गणित काम, फिर आपको मन चाया फल देगा जब उस मालिक के सत्र का काम आवेगा। हम के मांगा हां मैस नहीं ना हुई है, आज दूध ना दिया, ठीक है गरीब आदमी ने इतना दुख बतेरा है यो भी, लेकिन आप भक्ति करो जो मर्यादा हमने बता दी, इस नाम को जपते रहो, इसके जपने से साधना करने से ये जो संसारिक सुख थे आपके आप पर होंगे। इस मंत्र में इस भक्ति में ये बट नेचुरल है, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का जिसको तुम मांग रहे हो। जैसे किसान ने गेहूं बोने हैं, गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवन रक्षा करने का, परिवार की जान बचाने का, कि हमें गेहूं मिले कणक मिले। उसके लिए भूसा उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तूड़ा उद्देश्य नहीं होता। अब देखा हमने कई पहले बड़े बड़े फार्म जिसके 20-20 50-50 एकड़ 40-40 100-100 एकड़ जमीन है, वो क्या करते हैं कि कंबाइन से कटा देते हैं, वो ऊपर ऊपर से गेहूं निकाल लेते हैं, तूड़ा भूस पड़ा रहे वहां पर ऐसे छोड़ देते थे, उनका उद्देश्य गेहूं ही प्राप्त करना था। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और उसमें फिर वो तूड़ा जो है आपका हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं बीजे हैं तो तूड़ा यानी भूस तो होगा ही होगा, पहले भूस होगा और पाछे गेहूं मिलेगा। तो आप यदि उद्देश्य मोक्ष ही मानकर यहां कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तो यहां संसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। और हम मांगने तूड़ा आवे हैं, हम डिमांड ही इसकी करते रहते हैं, यूं हो जा यूं हो जा, कोई नहीं, नए नए बच्चे आते हैं उनको ज्ञान नहीं, उसको तो हम कहते बेटा होगा और हो जा, होगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु, भाग्य में नहीं रही, प्रारब्ध में नहीं रही, तो आपत्तियां आई आपके ऊपर, पाप कर्म आपके बढ़ गए। तो परमात्मा कुछ स्पष्ट तो आपको अपने कोटे में तय आपको देगा, कबीर भगवान देगा इस दास के माध्यम से।
और आपको राहत मिलनी शुरू होगी, ताकि आपका दिल डटे कि ये परमात्मा है या कबीर भगवान है हमारा। अब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे भगवान, कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते? अब भोली वाली आत्मा शुरू शुरू में इसे प्रश्न किया करते हैं। परमात्मा बोले, भाई संत चमत्कार नहीं दिखाया करते, वो तो पंडेलियां का काम, वो है जादूगरां का। और फिर क्या देखता है, कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक हो गया, उसका भी आराम हो गया, वो रोता आया था उसका सुख हो गया। तो धर्मदास कहता फिर आप, हे महाराज जी, आपने तो कमाल कर दिया, कति चमत्कार करके दिखा दिया, आज वो फलौना ठीक हो गया। परमात्मा बोले, भाई संत चमत्कार नहीं करा करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, जातुरन्यो हो जाएगा जातुरन्यो, ये ऐसे संत नहीं कहा करते, वो तो ड्रामेबाज और माया के लोग भी बकवास किया करते। संत चमत्कार नहीं दिखाते नहीं करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, समझदार।